तो जैसे यहाँ पे क्या है, दिस इज डॉर्सल रामस, ये कौन सा है वेंट्रल रामस. सो इफ दे विल फ्यूज टूगेदर समवेयर देन जो नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज रामस कम्युनिकेंस. ठीक है, और ये किसका पार्ट हो जाता है या फिर किसका, हाँ ये किसका पार्ट हो जाता है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो ये भी आप नोट डाउन कर लो, ये रामस कम्युनिकेंस और द डॉर्सल रामस वेंट्रल रामस, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो कि डॉर्सल कम्युनिकेंस फॉर्म्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. और ये क्या कंट्रोल करता है, द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द विसरल ऑर्गन. ठीक है, या आप नोट डाउन कर लो. इतना समझ में आ रहा है सबको? ओके, सो रामस कम्युनिकेंस विल फॉर्म द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आफ्टर अराइजिंग फ्रॉम द spinal cord and this controls the reflex action of the visceral organ. Okay, sabne note kar liya? Yes. Then next yahan pe kya hai, you can see that there is a association neuron present, isko ek aur naam se hum log kehte hain, and iska naam kya hai, interneuron. और ये इंटर न्यूरॉन करता क्या है, दिस विल हेल्प इन द एनालिसिस ऑफ द स्टिमुलस, मतलब कि कौन से टाइप का स्टिमुलस है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है. तो ये यहाँ वो सब फंक्शन कहाँ पर होता है, इंटर न्यूरॉन. और ये इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इट इज प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है. और उसके बाद अगर आप ये न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन जो आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर के लाइन में, तो अगर आप इसको क्लोजली देखोगे, ये क्या है, साइटॉन है. मतलब एक हो सकता है डेंड्राइट्स, जैसे मान लो कि ये क्या हो गया, डेंड्राइट जो स्टिमुलस रिसीव करेगा. ध्यान सुनो, मैं क्वेश्चन यहां पे पूछूंगा अभी. सो द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच इज रिसीविंग स्टिमुलस इज कॉल्ड एज डेंड्राइट, जो डेंड्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं. और ये जो स्टिमुलस किसी और न्यूरॉन को दे रहा है, सो इट कैन बिकम एक्सॉन, ये एक्सॉन होता है. बट सेल बॉडी तो एक ही है, उसमें एक ही एक्सटेंशन है, तो ये टाइप के न्यूरॉन का नाम क्या है, बताओ. मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि यूनिपोलर, यूनिपोलर, बट एक्चुअली ये क्या है, दिस इज स्यूडो यूनिपोलर ना, बिकॉज आपको लग रहा है कि यूनिपोलर है, बट आप इसमें देख सकते हो ना कि एक इसके पास डेंड्राइट्स भी है और एक्सॉन है. तो ये कौन से नॉब होते हैं, ये एक्चुअली होते हैं स्यूडो यूनिपोलर. तो यहाँ पर भी वो स्यूडो यूनिपोलर प्रेजेंट होता है. क्योंकि ये वापस लेके भी तो आ रहा है क्या, जैसे कि आपने इसको बोला ना सोडो यूनिपोलर, पर ये मतलब हाँ. ये तो वापस लेके भी आ रहा है ना इंफॉर्मेशन, लेकर आ रहा है ना ये स्यूडो यूनिपोलर, तो फिर लेके जाता है. तो ये देखो ये क्या है, स्यूडो यूनिपोलर ना, मतलब आपको लग रहा है कि यूनिपोलर है, बट ये क्या है कि इसका डेंड्राइट और एक्सॉन दोनों फ्यूज हो गए हैं ना. तो एक साइड क्या बन गया है, डेंड्राइट जो रिसीव करता है स्टिमुलस यहां से, फिर वो सिग्नल जो है यहां से जा रहा है किसके पास, इंटर न्यूरॉन के पास जा रहा है ना. हाँ, यही डाउट था आपका. सर तो आप एक बार डिफरेंशिएट करना, मतलब डिफरेंशिएट करके बताओ ना, सूडो यूनिपोलर, यूनिपोलर में डिफरेंस, यूनिपोलर में क्या होगा कि एक ही एक्सटेंशन होगा सिर्फ, एक ही मतलब कि जैसे मान लो कि एक ही एक्सटेंशन अगर हो, मतलब एक ही नॉब चलेगा. हाँ, और स्यूडो यूनिपोलर में क्या होता है कि एक्सॉन डेंड्राइट्स, मतलब वो क्या होते हैं कि दे विल फ्यूज टुगेदर, वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं. तो एक साइड से स्टिमुलस आता है, एक साइड से चला जाता है, उसको बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर. अगर आप देखोगे देखो बहुत स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ न्यूरॉन में, है ना, आई थिंक अपना फर्स्ट लेक्चर था वो.
ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लो कि स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, उसके बाद ये जो सिग्नल है, मतलब आफ्टर, जैसे मान लो कि कोई स्टिमुलस यहाँ पर आया, फिर वो स्टिमुलस जो है वो मोटर न्यूरॉन से फिर कहां पर जाता है, इफेक्टर मसल में. तो ये कुछ स्ट्रक्चर है. और हाँ, बीच में एक और ये जो कैनाल है, ये कैनाल को हम लोग बोलते हैं न्यूरोसील कहते हैं. स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो कैनाल है उसको बोलते हैं न्यूरोसील, या फिर एक और इसका नाम है सेंट्रल कैनाल. ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल और न्यूरोसील. समझ में आ रहा है इतना? नहीं? हाँ. सबको ऑनेस्टली बताओ, यहां तक सबको? हाँ, फिर हम लोग उसका सिर्फ फंक्शन देखेंगे. तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन बहुत ही आसान है और बहुत ही क्लियर है. सबसे मेन फंक्शन क्या होता है इसका, कि एक ये है कि इट इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ ब्रिज बिटवीन द ब्रेन एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये हो सकता है ना, क्योंकि जो कुछ भी स्टिमुलस होता है, जो कुछ भी सिग्नल होता है, वो स्पाइनल लॉब से स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगा, फिर वहां से कहां जा सकता है, ब्रेन के पास. सो इट इज एक्टिंग लाइक अ ब्रिज बिटवीन द ब्रेन एंड द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. इतना क्लियर है? एंड ये एक तरह से इसके ऐसा भी काम कर सकता है कि मतलब कि इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ पाथवे फॉर द स्टिमुलस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन. जो कुछ भी सिग्नल ब्रेन से आ रहा है वो कैसे होगा, स्पाइनल कॉर्ड से होके फिर कहाँ जाएगा, किसी और बॉडी के पार्ट में जा सकता है. और एक और ये काम क्या करता है, इट रेगुलेट्स एंड कंडक्ट मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. मतलब कि जो 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 ब्रेन का जो वर्कलोड होता है ना, वो कम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड. कुछ काम जो होता है बहुत ही फास्ट होता है एंड इट नीड्स क्विक रिस्पॉन्स, तो उसके लिए कौन हेल्प करता है, स्पाइनल कॉर्ड. सो स्पाइनल कॉर्ड इज एक्टिंग लाइक इट कंडक्ट मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन वेरी क्विकली. और ये क्या करता है, ब्रेन के वर्कलोड को थोड़ा सा कम करता है. ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन किसका हुआ, स्पाइनल कॉर्ड का. इतना क्लियर है? यस. फिर नेक्स्ट, उसके बाद मेरे ख्याल से कोई स्क्रीन पे एनोटेट कर रहा है क्या? चलो ठीक है. फिर नेक्स्ट जो है स्पाइनल नर्व के बारे में, जो नया पार्ट आता है अपने नर्वस सिस्टम का, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो अब तक हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एंड देन सेंसरी फिजियोलॉजी, एंड इन दैट वी विल लर्न कि हाउ आईज वर्क्स एंड हाउ ईयर वर्क्स. ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे फॉर्म होता है, किसी को पता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी मैंने बताया था, हाउ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड. बताओ. यस, टेल मी फास्ट. सर, स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स. डेफिनेटली, मतलब कि द नर्व्स व्हिच इज राइजिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल मेक द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ना, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, द नर्व व्हिच इज राइजिंग फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड, और सिंपली द नर्व व्हिच इज राइजिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल मेक द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. है ना, अगर आपको चाहिए यू कैन नोट डाउन दिस डेफिनेशन, बट आई थिंक सो यू शुड रिमेम्बर. एकदम इजी है, द नर्व व्हिच इज राइजिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. एंड व्हाई वी आर कॉलिंग दिस सिस्टम एज अ पेरिफेरल, बिकॉज इट इनर्वेट्स द पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, और पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब अपने ब्रेन के पास जो पेरिफेरल रीजन में जो एरियाज है उसको सराउंड कौन करता है, और या फिर उसको इनर्वेट कौन करता है, दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इतना क्लियर है सबको? सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इनर्वेट्स द पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, किसी ने कुछ डाउट पूछा है?
हाँ दीदी ये भी आप कह सकते हो, द नर्व्स व्हिच जॉइंस सीएनएस एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो भी एक डेफिनेशन करेक्ट है। पर आप सबको समझ में आया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है? Yes. तो अपने बॉडी के अंदर वी हैव 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। ये शायद से आपने कभी अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा या फिर याद होगा, आई डोंट नो, बट वी हैव 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व। सो जस्ट सो फॉर जस्ट जो लोगों ने पढ़ा उनके लिए एक रिपीटेशन होगा। सो वी हैव 12 pairs of the cranial lobes, okay, 12 pairs of cranial nerve, okay, kitne hote cranial lobes, 12 pairs, or 31 pair of spinal nerve, ye maine aapko abhi bataya, we have 31 pair of spinal nerve, ठीक है, इतना क्लियर है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व। उसके बाद फर्स्ट वी विल लुक एट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स एंड इट्स फंक्शन। किसी को याद है कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व का नाम क्या है? जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी कोई बता सकता है मुझे फर्स्ट क्रेनियल नर्व क्या है, या फिर कोई एक दो क्रेनियल नर्व का नाम? नहीं, ठीक है, मतलब क्या आपने सिर्फ नाम सुना है कि क्रेनियल नर्व? हाँ सर, बेजा सरांग, पेगस नर्व, वाह गुड, सबसे लास्ट वाला आपने पहले बोल दिया है, ठीक है, और कुछ नर्व? ठीक है ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, गुड, एटलीस्ट आपने ये अपने एक तो बताया, अच्छा किसी और ने टाइप भी किया है, ऑल्फैक्टरी, वाह अदिति, और बताओ, चलो मैं फिर और से पूछ ही लेता हूँ, बताओ आज आपने कोई खत्म करना है, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रेनियल नर्व एंड इट्स फंक्शन, समझ गया, ऐसे नहीं मतलब पढ़िए खत्म करना है, बट चलो ठीक है, फाइनली एज यूजुअल, तो फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, एंड दिस ऑल्फैक्टरी नर्व इज वेरी क्लोज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मानो ये जो नंबरिंग है ना, एक्चुअली ये नंबरिंग किसके बेसिस पे दिया गया है, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, मतलब कि कौन सबसे नजदीक है वो पहले आ जाएगा, जो थोड़ा सा दूर है, सो दैट इज लेबल्ड एज सेकंड थर्ड फोर्थ एंड ऑल, ठीक है, तो सबसे क्लोज में जो नर्व है उसका नाम क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व, सो दैट इज व्हाई ऑल्फैक्टरी नर्व इज द फर्स्ट क्रेनियल नर्व, ये जो है ये क्या है, दिस इज फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स, और ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज में, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, और ये किसमें हेल्प करता है, फॉर द परसेप्शन ऑफ द व्हाट वी कैन कॉल स्मेल, तो स्मेलिंग में कौन सा नर्व हेल्प करता है, ऑल्फैक्टरी नर्व, इतना क्लियर है सबको? हाँ सर। और yes. आप लोगों को ये मैंने भी बताया था कि एक होता है सेंसरी नर्व, एक होता है मोटर नर्व, तो सेंसरी नर्व कौन होते हैं, जो सेंस करता है, ओके, मोटर नर्व कौन होता है, जो मोटर एक्टिविटीज, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टिव ऑर्गन तक लेके जाता है, तो ये जो होगा ऑल्फैक्टरी नर्व ये कैसा होगा, सेंसरी की मोटर, एग्जैक्टली, जस्ट सेंसिंग, तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व क्या होता है, सेंसरी नर्व, ठीक है, तो आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक में, दैट ऑल्फैक्टरी नर्व इज अ सेंसरी नर्व, ये किसमें हेल्प करता है, फॉर द सेंसेशन ऑफ स्मेल, ठीक है, और ये ऑल्फैक्टरी नर्व डायरेक्टली किसमें ओपन होता है, ये आपको दिख रहा है कुछ कुछ समथिंग, दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो सेरिबलम के नीचे प्रेजेंट है, ये ठीक है, तो ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व है ना, ये एक्चुअली ओपन किसमें होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर, जैसे अपने पास ऑप्टिक बल्ब होता है ना फॉर विजन परसेप्शन, तो वैसे ही फॉर द परसेप्शन ऑफ द स्मेल वी हैव ऑल्फैक्टरी,
बल्ब, ठीक है. सो ऑल्फैक्टरी नर्व विच इज अ टाइप ऑफ सेंसरी नर्व विल कैरी स्टिमुलस इनटू द ऑल्फैक्टरी बल्ब ऑफ द ब्रेन. ये आप लिख लो, ओके, जस्ट नोट डाउन दिस, ठीक है. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व. बट यहां तक सबको समझ में आया फर्स्ट वाला फंक्शन? यस सर. ओके, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने कि ये कहां पर जाता है? ऑल्फैक्टरी बल्ब में. और ये कौन से टाइप का नर्व है? इट इज अ टाइप ऑफ सेंसरी नर्व. इसका काम क्या होता है? सेंसेशन, सॉरी, विच टाइप ऑफ सेंसेशन? स्मेलिंग. सेकेंड जो नर्व है उसका नाम क्या है? ऑप्टिक, जो अपने आईज को जाता है, रेटिना में प्रेजेंट होता है ये, है ना. ये ऑप्टिक नर्व कहां प्रेजेंट होगा? रेटिना से जो निकलता है ना, हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में क्या स्ट्रक्चर. तो जो रेटिना से जो बाहर जो नर्व निकलता है उस नर्व को क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व. और ये ऑप्टिक नर्व का एंडिंग कहां पे होता है? ऑप्टिक लोब ऑफ द ब्रेन, ठीक है. अपने ब्रेन में जैसे अभी था ना ऑल्फैक्टरी लोब, तो वैसे एक होता है ऑप्टिक लोब. इसका मेन काम क्या होता है? टू मेक अ विजन, टू मेक अ इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है. और ये भी किस टाइप का नर्व है? अगेन दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेंसरी नर्व. ये दोनों के बारे में आपको समझ में आया? विजन के लिए ऑप्टिक, स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी. तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि डॉग्स, आप लोगों को पता होगा कि डॉग्स का जो है स्मेल का पावर काफी अच्छा होता है. इट कैन डिटेक्ट एनीथिंग जस्ट बाय स्मेलिंग. तो क्या उसके अंदर ऑल्फैक्टरी बल्ब का साइज बड़ा होगा या फिर बहुत ही छोटा होगा? क्या हो सकता है? डॉग्स के पास जो होता है द साइज ऑफ ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी लोब इज वेरी लार्ज. तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो. Why dogs have very sharp smell sensation? Because they have large and highly developed olfactory lobe. आप ये note down कर लो. Dogs have large and highly developed Sir, even they can hear more than human, right? Yes, yes. Because they have also very very good temporal lobe. ये हम लोग पढ़ेंगे अभी. But ये क्या है? They have highly developed large and highly developed olfactory lobe. But अपने humans का उतना strong नहीं होता. That is why humans have quite weak perception of smell. इतना clear है सबको? Yes sir. ठीक है. तो ये दोनों जो थे वो क्या है? Sensory nerve है. दोनों SS. Optic. ऑल्फैक्टरी, दोनों सेंसरी है. जो दोनों का काम क्या होता है? सेंसेशन. बट देखो तीसरा नर्व, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इट इज अ टाइप ऑफ मोटर नर्व, है ना. और ये कौन सा मोटर नर्व है? ऑक्यूलो मोटर नर्व. दिख रहा है सबको ये इमेज से? एंड दिस ऑक्यूलोमोटर नर्व इज एक्चुअली इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम सम पार्ट ऑफ द ब्रेन. एंड ये क्या कर रहा है? दिस इज हेल्पिंग इन द मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स. अपने आई बॉल के आसपास में बहुत सारे मसल्स होते हैं, ठीक है. तो वो आई बॉल के मूवमेंट में कौन से मसल्स हेल्प करते हैं? ये ऑक्यूलोमोटर. सो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द सिलियरी मसल्स, स्फिंक्टर ऑफ द प्यूपिल, एंड ऑल द एक्सटर्नल आई मसल एक्सेप्ट दोज बिलो. बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये दिख रहा है स्फिंक्टर ऑफ द प्यूपिल. क्या ये अपने बॉडी के अंदर, अपने आईज के अंदर प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर ऑफ प्यूपिल? आपने कभी देखा? हम लोग आंख खोले हुए अपने प्यूपिल को बंद कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना. बट अगर आप देखोगे कुछ रेप्टाइल्स ऐसा होते हैं, मतलब उनका आंख ओपन रहेगा, बट देखो वो ऐसा कुछ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या फिर ऐसा कवर कर सकता है. तो उसके मूवमेंट के लिए कुछ मसल सकता है. बट यहाँ पे क्या इसमें दिया है कि देखो सिलियरी मसल्स अपने आईज में प्रेजेंट होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे. तो ये सब जो मसल्स होते हैं जो अपने आईज के आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है. तो वो मसल जो है उसका एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? ऑक्यूलोमोटर. देखो आपने शायद देखा होगा, देखो कुछ लोग जो होते हैं अपने आंखों को ऊपर नीचे ऐसा पूरा घुमा लेते हैं,
क्यों? बिकॉज उनका जो आई ऑक्यूलो मोटर मसल्स है या फिर जो नर्व है दे आर हाईली डेवलप्ड, आपने देखा भी होगा ना। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड ऑक्यूलो मोटर। फिर एक और कौन सा है, ट्रॉक्लियर एब्ड्यूसेंस। तो ये तीनों जो है ऑक्यूलो मोटर, ट्रॉक्लियर और ये एब्ड्यूसेंस, ये तीनों मिलके किसमें हेल्प करते हैं, इन द आई बॉल मूवमेंट। ऑक्यूलो मोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस। जो ट्रॉक्लियर है वो सुपीरियर ऑब्लिक्यूल मसल्स में जाता है, ऑब्ड्यूसेंस जो है लैटरल रेक्टस मसल में, बट आपको उतना याद नहीं। आपने कभी वो देखा है, देखो कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होती है ना, जो उसको बोलते हैं ना कि क्या उसको कहते हैं, कुछ विजन जो होता है, मतलब थोड़ा तिरछा होता है, स्टिंट या कुछ तो वर्ड उसके लोग यूज करते हैं ना, मतलब देखता स्क्विंट है ना, स्क्विंट कहते हैं ना, तो एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम होता है ये लैटरल रेक्टस मसल का। अगर वो जो है मसल सही से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि वो आदमी जो है दिखता कहीं और है और लगता है कि देख कहीं और रहा है। तो ऐसे पेशेंट को देखो डॉक्टर कहते हैं कि आप आई का एक्सरसाइज किया करो, आपने शायद सुना होगा, क्यों? ताकि उसका मसल्स अगर मतलब सही से काम करने लगेगा तो देन ही कैन सी नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो है ये कौन सा एब्ड्यूसेंस है ना, एब्ड्यूसेंस नर्व। ठीक है, ये क्या कंट्रोल करता है, लैटरल रेक्टस मसल्स को, जो आई के लैटरल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। देखो नाम से पता चलता है ना कि लैटरल मूवमेंट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको ये इमेज से? यस। ओके, तो ये एब्ड्यूसेंस भी जो हो गया, हालांकि ये बहुत ही ये तो थर्ड हो गया, फिर फोर्थ मैंने आपको फिफ्थ नहीं बताया, उसके पहले मैंने डायरेक्टली आपको मैंने सिक्स बता दिया बिकॉज दिस थ्री आर रिलेटेड विद द आईज। बट ये सिक्स क्या करता है, एब्ड्यूसेंस, ये भी एक मोटर है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल में हेल्प करेगा, और जो ट्रॉक्लियर है ये भी आई बॉल के मूवमेंट में, और जो ऑक्यूलोमोटर है ये सब भी आई बॉल के मूवमेंट में। सो दैट इज व्हाई दिस ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और फेशियल, सॉरी एब्ड्यूसेंस, ये तीनों क्या है, मोटर नर्व है। इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। अब मैंने सिर्फ कौन सा स्किप किया, फिफ्थ वाला, दैट इज ट्राइजमाइनल। और अगेन अपने बॉलीवुड में एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है जिसको ये प्रॉब्लम है ट्राइजमाइनल नर्व का, पता है किसी को? सारा लिखा नहीं, दिस टाइम नॉट सारा लिखा पता है उसका नाम भी ऐसे ही आता है, सलमान खान तो उसको प्रॉब्लम है ट्राइजमाइनल नर्व का, एंड ड्यू टू दैट ही इज नॉट एबल टू मूव हिज जॉ प्रॉपरली, इसलिए उसका जॉ जो है प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता है। इसलिए आपने देखा कि देखो जब वो एक्टिंग करता है तो देखो सही से उसका जॉ का मूवमेंट, लिप सिंक वो प्रॉपरली नहीं कर पाता है, तो उसको ट्राइजमाइनल नर्व का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो है ट्राइजमाइनल नर्व, ये कैसा है, ये दोनों काम करता है, सेंसरी भी है और प्लस मिक्स्ड भी है, मोटर भी है, सॉरी। तो फिफ्थ नर्व जो है कौन सा, ट्राइजमाइनल, ये कैसा है, इट इज सेंसरी एज वेल एज मिक्स, मोटर दोनों का काम करता है ये। इतना समझ में आया, मतलब टीथ एंड जॉ के मसल्स के मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, ट्राइजमाइनल। और इसको ट्राइजमाइनल क्यों कहते हैं, आप देख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे तीन अलग अलग नर्व्स आते हैं जो साथ में मिलके एक फॉर्म कर रहे हैं, देख रहे हैं इसका नाम ट्राइजमाइनल क्यों है, बिकॉज देखो एक नर्व जो है उसके अपर फेस वाले पे जा रहा है, सेकंड जो अपने मैक्सिला पे जा रहा है, थर्ड जो अपने मैंडिला से निकल रहा है, तो तीनों एक साथ ज्वाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, ट्राइजमाइनल नर्व। इतना क्लियर है? हाँ, ये मोटर और सेंसरी दोनों है, तो ये अपने फेशियल एक्सप्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेशियल एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, समझ में आया ट्राइजमाइनल नर्व? यस सर। पक्का? तो अब पता चला कि मतलब कौन सा सेलिब्रिटी को क्या प्रॉब्लम है। ओके, फिर नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, सेवेंथ, दैट इज अ फेशियल नर्व। अगेन ये किसमें हेल्प करता है, टू मेक द डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ द फेसेस। तो जो एक्टर्स होते हैं या फिर जो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को दे सकते हैं, उनके अंदर ये जो है ये मसल, ये जो नर्व है अच्छा खासा डेवलप होता है। सो सेवेंथ वाला कौन सा है, फेशियल नर्व, ये कौन सा होगा, अगेन ये भी मिक्स नर्व है, मतलब कि ये सेंस भी कर सकता है और प्लस सिग्नल जो है भेज भी सकता है। सो ट्राइजमाइनल और फेशियल ये दोनों कैसे हैं, मिक्स्ड नर्व है। समझ में आ रहा है बातों को, आप लोग समझ पा रहे हो ये क्या है? हाँ सर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट के मतलब कि जो मसल जो जो नर्व जो अपने सेंसरी ऑर्गन को जाता है वो सेंसरी है,
जो नर्व जो अपने सेंसरी ऑर्गन के मसल्स को जाता है वो मोटर है, और जो नर्व जो अपने ऑर्गन्स को मतलब कि अपने फेस में जाता है वो क्या है, मोस्टली दे आर मिक्स्ड नर्व। सो उसमें एक आता है ट्राइजमाइनल और एक कौन सा आता है फेशियल। उसके बाद जो नर्व है एट्थ वाला जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी नर्व और वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व, ठीक है। तो देखो मैंने ये इमेज में क्या यहाँ पर लिखा है, वेस्टिब्यूलो कॉकलियर, इसका एक और नाम क्या है, ऑडिटरी नर्व कहते हैं। तो आप लिख सकते हो ऑडिटरी नर्व इज ऑल्सो नोन एज वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व बिकॉज ये वेस्टिब्यूल ऑफ द ईयर और कॉकलिया दोनों से निकल के आता है ना ये, इसलिए इसका करेक्ट नाम क्या है, वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व, ठीक है। और सब आपको पता है कि ईयर का मेन फंक्शन क्या होता है, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। तो वेस्टिब्यूल किसमें हेल्प करता है, फॉर द बैलेंसिंग, एंड द कॉकलिया हेल्प्स फॉर द हियरिंग। तो वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व किसमें हेल्प करेगा, बैलेंसिंग एंड हियरिंग। तो ये भी कौन से टाइप का नर्व होगा, ये सिर्फ सेंसरी नर्व है। आप सबको ये याद हो पाएगा, आप लोग अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं डिफरेंट निमोनिक्स फॉर रिमेम्बरिंग फॉर मेमोराइजिंग दिस क्रेनियल नर्व। मैंने इसलिए निमोनिक्स दिया नहीं बिकॉज आप लोग अपने अकॉर्डिंगली वो निमोनिक्स सर्च कर सकते हो एंड देन यू कैन लर्न अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है। बट आप निमोनिक्स का हेल्प ले सकते हो टू रिमेम्बर ऑल दिस नेम्स। इतना समझ में आया, वेस्टिब्यूलो कॉकलियर तक क्लियर है, यहाँ तक एट्थ स्पाइनल एट्थ क्रेनियल नर्व तक क्लियर है सबको? ओके, फिर नाइन्थ वाला कौन सा है, इसमें ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व जो अपने फेरिंजियल रीजन पे जाता है, ठीक है। और ये भी कैसा मिक्स टाइप का है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, टेस्ट एंड सलाइवा सेक्रेशन। दिख रहा है आपको, सेंसरी है, सो टंग्स में जो सेंसेशन होता है वो उसमें हेल्प करता है, सो इट इज सेंसरी एज वेल एज मोटर, ठीक है। तो सलावा सेक्रेशन में हेल्प करता है और सेंसेशन में। ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व ये भी कौन से टाइप का है, इट इज ऑल्सो मिक्स टाइप। वेगस जो है वो भी कैसे टाइप का है, मिक्स टाइप का है। वेगस को एक और नाम दिया है, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व कहते हैं। देखो मैं इतना आपको नाम तो बता रहा हूं बट अगर आप लोग याद रख पाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कौन सा है, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, क्यों, बिकॉज ये क्या करता है, ये अपने विसल ऑर्गन में मोस्टली जाता है और इसका काम क्या है, ये भी क्या है, मोटर टाइप का, मतलब कि ये कहाँ कहाँ जाता है, हार्ट, लंग, पैलेट, फैरिंग्स, एकदम नाम ही न्यूमो मतलब कि समथिंग रिलेटेड विद द लंग्स, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक है, तो ये हर एक ऑर्गन को, ऑलमोस्ट हर एक विसरल ऑर्गन को ये क्या करता है, इनर्वेट करता है और वहां से सिग्नल लेगा, फिर उसको कुछ सिग्नल देगा, सो इट इज ऑल्सो मिक्स टाइप। लास्ट सेकेंड लास्ट कौन सा है एक्सेसरी, ये एक मोटर टाइप का है और ये फैरिंग्स और लैरिंग्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और फिर ट्वेल्थ कौन सा है, हाइपोग्लॉसल, ये भी मोटर टाइप का है और ये अपने टंग के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जो आप लोग बोलते हो ना, आपके बोलने में जो है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोग्लॉसल। आपने कभी सुना होगा किसी किसी लोगों का जो है वो कोई लोग बोल नहीं पाते, उसका टंग ही रुक जाता है, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज वो हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो हाइपोग्लॉसल नर्व एंड दिस एक्सेसरी स्पाइनल नर्व, मतलब ये दोनों, ये क्या है, मोटर नर्व है। सो सर लास्ट के दो क्या है, मोटर है, स्टार्टिंग के दो क्या है, सेंसरी है, फिर बीच में क्या है, मिक्स नर्व है। तो आप रख सकते हो, ठीक है। So this was all about the type of cranial nerve. और मैं एक फोटो भेज देता हूँ आपको, मतलब उसके बाद में, या फिर मैं ये पीपीटी में ऐड करके, क्योंकि आपको इसको याद कैसे रखना है। बट ये समझ में आया कि हर एक नर्व का फंक्शन क्या है और उसका नेचर क्या है, इतना समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. तो ये क्या था, आज हम लोग ने क्या कंप्लीट किया, सेंसरी नर्व मतलब कि क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन, टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ओके, और स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, और ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने कंप्लीट किया। एक्सक्यूज मी, हाँ बताओ।